प्रसाद, कल्याणकारी हरदेव, चलते रहे दिन रात लेकर हौसला चट्टान का, कर गए प्रशस्त मार्ग मानव के कल्याण का। बाबा हरदेव सिंह जी, यूं तो बाबा अवतार सिंह जी और बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ देश विदेश की कल्याण यात्राओं में एक भक्त एवं सेवादार के रूप में सम्मिलित रहते थे, लेकिन सदगुरु रूप में सन 1980 से लेकर राजमाता जी और माता सविंदर जी को साथ लेकर कल्याण यात्राएं करते हुए आपने विश्व के अनेक देशों में प्रेम, मानवता और एकत्व का संदेश दिया। पहली कल्याण यात्रा सन 1980 में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों की थी। उसके बाद आपके मानव कल्याण हेतु संकल्पित कदम आगे से आगे बढ़ते गए। आप दिन रात मीलों का सफर तय करके दुनिया के कोने कोने में प्रेम, अमन व भाईचारे की राह दिखाते हुए अपने पावन कदमों के निशान बनाते गए। आपकी कल्याण यात्राएं किसी विशेष साधन की कभी मोहताज नहीं रहीं। आपने समय और परिस्थिति के अनुरूप कभी रेलगाड़ी से सफर तय किया तो कभी बैलगाड़ी से, कभी हवाई जहाज से तो कभी नाव से यात्रा की, कभी समुद्री जहाज से, कभी घंटों कार में बैठकर और कभी लंबे रास्तों को पैदल चलकर ही तय किया। धूल से भरी सड़कें हों या टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां, कीचड़ से भरी गलियां हों या ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते, आपका काफिला बिना थमे चलता ही रहा। कई बार 20-20 फुट सूखी नदियों में गाड़ियों को नीचे उतारकर विपरीत परिस्थितियों की परवाह न करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते रहे। आपने कभी रास्ते में पेड़ की छांव तले पत्तलों पर भोजन किया तो कहीं किसी वीराने में ही चंद पल विश्राम कर लिया, कहीं खुले आसमान के नीचे बैठकर भक्तों को आध्यात्मिकता की खुराक बांटी, तो कहीं चलते चलते रास्ते में ही भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि डालकर तृप्त कर दिया। कभी संगत में पहुंचने में यदि विलंब की संभावना नजर आई तो रास्ते में स्थित किसी भोजन स्थल पर रुककर गाड़ी में रखे गुड़ चने ही खा लिए। आपकी इन अथक यात्राओं से खुशियों का जो आदान प्रदान होता रहा उसे आप इस तरह प्रकट करते। दास के जीवन का एक एक पल हर किसी को खुशी देने का कारण बने। साध संगत से जो प्यार मिल रहा है उसे बयान करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। हिंदुस्तान हो या दूर देश, जहां कहीं भी जाते हैं प्यार और सत्कार का जज्बा ही देखने को मिलता है। ये प्यार का इजहार ही तो है कि सड़क किनारे खड़े भक्तजन एक झलक पाने की आस में घंटों प्रतीक्षा करते हैं। एक नजर मिलने से यदि उन्हें इतनी खुशी हासिल होती है तो कोई इस मौके से वंचित न होने पाए, बस यही ध्यान रहता है। एक झलक पाने के लिए आंसुओं का छलकना भक्ति की चरम स्थिति है। आपका दिव्य अभियान देश ही नहीं, दूर देशों के कोने कोने में पहुंचता रहा। आपका दर्शन पाते ही सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय के पावन उद्घोष से सारे गांव, कस्बे व शहर गूंज उठते। पंडाल में बैठा मानव परिवार करतल ध्वनि से गुरु का हार्दिक अभिनंदन करता। हुजूर हर स्थान पर स्वयं भक्तों के घरों में अथवा सत्संग भवनों में जाकर दर्शन व आशीर्वाद देते। आप निरंतर अपनी कल्याण यात्राओं के माध्यम से उन भोले भाले भक्तों को निहाल करते रहे जो आपके प्रेम में सदैव मग्न रहते थे। 28 फरवरी सन 1998 को जब बाबा जी वाराणसी के सजे हुए बेनिया बाग पहुंचे तो स्थानीय संतों ने बसंती एवं केसरिया रंग की पगड़ियां धारण कर ढोल मजीरे की थाप पर नाच गाकर मन के उल्लास को प्रकट किया। इस प्रेममय मनोहारी दृश्य को देखकर बाबा जी ने कहा, जिस प्रकार प्रेम के गुलदस्ते से आपने वाराणसी नगर को सजाया है, ऐसा सुंदर वातावरण बनाया है, ऐसा वातावरण
पूरे संसार में बनाने की आवश्यकता है। मनुष्य इसी प्रकार मानवता को अपनाकर देवता और फिर भगवान बन सकता है। बाबा जी की कल्याण यात्राओं का प्रोग्राम पूर्व निर्धारित होता था, परंतु आपको तो मार्ग में भी कितने ही भक्तों का उद्धार करना होता था। सीधे जाते जाते किसी दूर दराज बैठे भक्त की फरियाद आप तक पहुंचती तो आप अपनी गाड़ियों के काफिले की दिशा उसी ओर मुड़वा देते। स्वयं दुर्गम रास्तों से जाकर भी अपने भक्तों को प्रसन्नता बांटते। जैसे बाबा जी की उड़ीसा की कल्याण यात्रा में पच्छीपाल गांव जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था, किंतु वहां की एक अनन्य भक्त बहन जो कि खामोशी और पूरी लगन से मुख्य सड़क से पच्छीपाल गांव तक की कच्ची सड़क को मिट्टी तथा पानी डालकर समतल करने में जुटी हुई थी, उनसे कोई पूछता तो सिर्फ एक ही उत्तर देती, भाई साहब मुझे व्यवस्था की तो जानकारी नहीं है, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे सदगुरु मुझे यहाँ दर्शन देने आएंगे। गरीब नवाज भला अपने भक्त की पुकार कैसे न सुनते। आप तो थे ही प्रेम के वश में। आपकी गाड़ियों का काफिला भुवनेश्वर से जब उस मोड़ के निकट पहुंचा जहां से रास्ता पच्छीपाल की ओर जाता था, तो आपने गाड़ियां उस ओर मुड़वा दी। आपका काफिला जब कच्ची सड़क से गुजर रहा था तो सबके वस्त्रों और गाड़ियों के ऊपर उड़कर पड़ी धूल मिट्टी स्पष्ट दिखाई देने लगी। जब हुजूर भक्त बहन के घर पहुंचे तो वो समझ नहीं पा रही थी कि वो सपना देख रही है या सचमुच साक्षात सदगुरु उसके सम्मुख खड़े हैं। भले ही अपने भक्त के प्रेम के वश में बाबा जी जगन्नाथपुरी कुछ देर से पहुंचे, पर सभी गांव के भक्तों को जो खुशी आपने प्रदान की वो सचमुच अविस्मरणीय एवं अवर्णनीय थी। बहन के विश्वास ने जहां गुरु की अंतर्यामिता का प्रत्यक्ष रूप लोगों को दिखा दिया, वहीं वो सारे गांव के लोगों के कल्याण का कारण भी बनी। बाबा जी की कल्याण यात्राओं के दौरान अनेक प्रतिष्ठित गणमान्य सज्जन जो निरंकारी मिशन के साथ नहीं भी जुड़े होते थे, बाबा जी के दिव्य दर्शन करके सहज ही भाव विभोर हो उठते। उड़ीसा में एक स्थान पर एक गणमान्य अतिथि ने बाबा जी की दिव्यता से प्रभावित होकर कहा, हम जो इन कोमल चरणों को देख रहे हैं, जो सबको आकर्षित कर रहे हैं, ये आम इंसान के चरण नहीं हो सकते। बाबा जी की मुख मुद्रा पर जो तेज दमक रहा है, ये अवतारी पुरुष की निशानी है। इनकी सौम्यता और गंभीरता हजारों लोगों को आकर्षित कर रही है। ये साधारण बात नहीं है, ये स्वयं जगतगुरु हैं। यदि ये दिन को रात कह दें तो चुपचाप मान लेना, लेकिन यदि सदगुरु बाबा जी ये कहें कि मैं एक साधारण इंसान हूं, तो इनकी ये बात कभी मत मानना, क्योंकि ऐसे दिव्य पुरुष साक्षात ब्रह्म का साकार रूप होते हुए भी अपने आप को छिपाते हैं। वर्ष 2004 में महाराष्ट्र की कल्याण यात्रा के दौरान जब आपका काफिला बारामती फल्टन रोड से गुजर रहा था, तब निर्धारित स्थान पर पहुंचने से पहले एक पुल के पास बाबा जी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और बाहर आकर खड़े हो गए। हर कोई ये सोचने लगा कि मार्ग के मध्य गाड़ियां रुकवाने का क्या प्रयोजन है। तभी पुल के नीचे से एक अति साधारण वृद्धा लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे ऊपर की ओर आती दिखाई दी, जिसके हाथों में केवल 3 फूलों से बनी हुई एक माला थी। करुणा के सागर आपने उस भक्त का सत्कार अत्यंत भोले भाव से झुककर स्वीकार किया और अपना स्नेह युक्त आशीष देकर आप आगे बढ़ गए। दिव्य विभूति सदगुरु बाबा जी की कल्याण यात्राएं असंख्य लीलाओं एवं भक्ति भाव वाले दिव्य प्रसंगों से भरी पड़ी हैं। बाबा जी कब कहां किसकी फरियाद सुनकर रुक जाएंगे, चलते चलते काफिला कब किधर मुड़ जाएगा या कहां ठहर जाएगा, इनका कौन सा भक्त कहां प्रकट हो जाएगा, किस भक्त पर कब किस रूप में आपकी कृपा होगी, ये या तो आप जानते थे या आपके श्रद्धालु भक्त। एक बार महाराष्ट्र में जिस पेट्रोल पंप पर डीजल डलवाया गया, वहां बाबा जी गाड़ी से उतरकर 2 मिनट चारपाई पर बैठ गए। पेट्रोल पंप का मालिक आपको देखते ही दौड़ा दौड़ा आया
और कहने लगा, बाबा जी, मैंने टीवी पर आपको देखा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या सचमुच आप आए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आपके दर्शन कर सकूंगा। भक्ति भाव से सराबोर उसने आपको दंडवत प्रणाम कर यथासंभव सेवा भी की। 15 मई सन 2008 को एक बुजुर्ग माता ने आपसे प्रार्थना की, बाबा जी, आपने कई वर्ष पहले कहा था कि जब भी आप इस रास्ते से गुजरेंगे तो मेरे गांव में आएंगे और दासी की कुटिया को भी अवश्य पावन करेंगे। बाबा जी ने तुरंत ही उसके गांव डहकवाड़ा चलने के लिए स्वीकृति दे दी। बुजुर्ग माता की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। काफिला चल पड़ा उस गांव की ओर। उसके घर पहुंचते ही सभी को ऐसा आभास हुआ कि बाबा जी के स्वागत की तैयारी पहले से ही की हुई थी, अर्थात उन्हें पूर्ण विश्वास था कि सदगुरु आज अपना वायदा अवश्य पूरा करेंगे। गुरुदेव ने परिवार के सभी सदस्यों को स्नेह, दुलार और प्यार दिया। दयालु सदगुरु अपने भक्तों द्वारा की गई हर विनती को अवश्य पूर्ण करते हैं। एक बार किसी कल्याण यात्रा के दौरान ड्राइवर महात्मा ने बाबा जी के चरणों में विनती की कि गाड़ियों में डीजल डलवाना है। बाबा जी ने कहा, ठीक है, कोई ऐसी जगह देखो जहां डीजल भी डलवा सकें और चाय की भी व्यवस्था हो सके। रास्ते में कई पेट्रोल पंप आए पर बाबा जी रुकने के लिए मना करते रहे। एक सुनसान सी जगह स्थित पेट्रोल पंप पर बाबा जी ने गाड़ी रोकने के लिए कहा। बाबा जी स्वयं गाड़ी से उतरे और कहा, आसपास कहीं चाय की दुकान देखो। भक्तजनों ने देखा कि आसपास तो कोई चाय की दुकान नहीं है। तभी थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी दुकान नजर आ गई। कुछ भक्त पता करने गए। अचरज की बात थी कि उस दुकान में बाबा जी की तस्वीर लगी हुई थी। जब उस चाय वाले महात्मा को भक्तों ने बताया कि बाबा जी यहां आए हुए हैं, तो वो चाय वाला संत सदगुरु के दर्शनों के लिए खुशी खुशी दौड़ पड़ा। बाबा जी के चरणों पर नमस्कार करके बोला, बाबा जी, दास पिछले काफी समय से संगत नहीं जा पा रहा था। बैठे बैठे अरदास ही कर रहा था कि न जाने कब आपके दर्शन होंगे, और आज अकस्मात ये कृपा हो गई। आप छोटे छोटे गांवों में जाकर बेहद प्रसन्न होते एवं सेवादारों से कहते कि कई वर्षों के बाद यहाँ आना हुआ है, आज नजदीक से यहाँ के महात्माओं के दर्शन हो जाएंगे। इनको दूर दराज समागमों में आने के इतने मौके कहाँ मिल पाते हैं। ये यहाँ कोई दिल की बात करना चाहें तो उन्हें रोकना नहीं। आपके दिल में सबके लिए समान प्यार था। आप नेपाल में जब अछाम जिले में पहुंचे तो पता चला कि 2 दिन पैदल चलकर भक्त आपके दर्शन हेतु पहुंचे थे। कल्याण यात्राओं में सुबह से आरंभ होने वाली आपकी दिनचर्या में केवल मानव मात्र की भलाई ही निहित होती थी। आप मानव मन को अपने स्नेह, करुणा और भक्त वत्सलता से अभिभूत करते रहे। एक बार गुजरात की कल्याण यात्रा के दौरान बाबा जी के पावन सानिध्य में जामनगर में समागम हुआ। उस दिन सत्संग समारोह में एक भोले भाले संत ने स्वरचित गीत गाया, जिसको सुनकर सदगुरु और सारी साध संगत बहुत खुश हुई। उस गीत में गुजराती भाषा में उस महात्मा ने बाबा जी से विनती की कि बाबा जी, आप मेरे घर कब आओगे। दूसरे दिन बाबा जी का काफिला अगले पड़ाव के लिए चल पड़ा। जाते जाते अचानक बाबा जी की गाड़ी ने दिशा बदली। सब हैरान थे। कुछ आगे पहुंचकर देखा तो सारा गांव सदगुरु के स्वागत में ढोल नगाड़ों के मधुर संगीत पर नाचकर साम मैया गा रहा था। गांव वासियों के अनुसार साम मैया का मतलब खड़े होकर आदर सत्कार करने की परंपरा से था। सदगुरु के चरणों को धूल कंकड़ ना लगे, इसलिए गांव वालों ने नई नई साड़ियां, चादरें आदि पूरे गांव के रास्ते में बिछा रखी थीं। सदगुरु बाबा जी के शुभ आगमन से सारे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सदगुरु के साथ आए महात्मा भी ढोल नगाड़ों के नाद को सुनकर बाबा जी के सामने नाचने लगे। बाबा जी ने
एक महात्मा को इशारा करके पास बुलाया और कहा, संभल कर कहीं नीचे बिछाए हुए वस्त्र फट न जाएं। ग्रामीण संतों ने सदगुरु को एक बैलगाड़ी में बिठाकर पूरे गांव में नाचते गाते हुए शोभा यात्रा का रूप दे दिया। जिस महात्मा ने उस दिन गीत गाया था, बाबा जी ने उसके घर में चरण डाले। उसी घर के आंगन में एक छोटा सा स्टेज बनाया हुआ था, जिस पर बाबा जी विराजमान हुए। बाबा जी के प्रवचन की पहली पंक्ति ही यही थी, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाही। कल्याण यात्राओं के दौरान कई बार पैदल चलते समय भक्त पीछे से आकर आपके चरण पकड़ लेते, तब भी आप धीरे से सेवादारों को अकेले में कहते, महापुरुषों पर गुस्सा नहीं करना, बड़े प्यार से उनसे बात करना, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होते हैं। असीम ऊर्जा के स्रोत बाबा जी की समीपता का ऐसा अनूठा प्रभाव होता था कि जितने भी साथ चलने वाले महात्मा होते, सब सुबह से रात तक 12-15 घंटे सफर करने के बाद भी हमेशा स्फूर्ति से भरे रहते थे। आपकी रूहानी शख्सियत में से ऐसी दिव्य किरणें निकलती थीं कि आपके समीप रहने वाले किसी भी संत को न तो शारीरिक थकान होती थी और न ही कोई नींद का एहसास। एक ऐसी ऊर्जा आपसे प्रवाहित होती रहती थी जो सब में अनोखा आनंद व खुशी भर देती थी। यही कारण था कि बाबा जी के साथ चलने वाले 25-30 महापुरुषों का समूह निरंतर बिना थकान महसूस किए कल्याण यात्रा का अंग बना रहता था। एक बार मसूरी की कल्याण यात्रा के दौरान बाबा जी की गाड़ियां देर रात देहरादून से आगे बढ़ रही थीं, तभी पहाड़ी मार्ग पर किसी रुकी हुई गाड़ी को देखकर आपने गाड़ियां रुकवाईं। सबको साथ वाली गाड़ियों में बिठाकर मसूरी स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचाया। देखने सुनने में ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर दूसरे दिन जब धन्यवाद व्यक्त करने परिवार भवन पर आया, तब उन्होंने बताया कि रात के 11 बजे से हमने कई गाड़ियों को हाथ दिया, लेकिन कोई नहीं रुका। रात 2 बजे कुछ परिवारों को अपनी गाड़ियों में स्थान देकर आपने उनके दिलों में अपना स्थान बना लिया। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का संसार को बदलने का तरीका प्रेम से शुरू होता था और प्रेम पर ही समाप्त होता था। एक बार बाबा जी बिहार की कल्याण यात्रा के दौरान पटना से बरौनी जा रहे थे। रास्ते में एक बालिका की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने की वजह से आक्रोश से भरे हुए हजारों लोग सड़क रोक कर खड़े हुए थे। कुछ के हाथों में हथियार भी थे। आने जाने वाली सभी गाड़ियों को उनके मुखिया ने रुकवा रखा था। बाबा जी का 3 घंटे बाद आगे सत्संग का प्रोग्राम था। सेवादार ने उस मुखिया को बताया कि हमारा सत्संग कार्यक्रम है और बाबा जी को आगे पहुंचना है, आप हमें जाने दीजिए। तब भी उसने जाने की अनुमति नहीं दी। आखिर सेवादार ने जेब से मंगलाचरण कार्ड निकालकर उस पर छपी बाबा जी की फोटो दिखाई तो मुखिया बोला, पहले हमें इन बाबा जी के दर्शन करवाइए। सेवादार मुखिया को लेकर बाबा जी के पास आए। बाबा जी ने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उनसे बड़े प्यार से सारी दुर्घटना का हाल विस्तार सहित पूछा। अंत में आपने कहा, आप अगर इजाजत दें तो हम सत्संग पहुंच सकते हैं। मुखिया बोला, 3 घंटे तो आपको बरौनी पहुंचने में वैसे भी लग जाएंगे। बाबा जी ने कहा, वो तो कोई बात नहीं है, यदि आप अनुमति देंगे और हम यहां से अभी निकल जाएंगे तो हम सत्संग कर पाएंगे। मुखिया आपकी शीतल वाणी के आगे एकदम नतमस्तक हो गया और उसकी एक आवाज पर हजारों की भीड़ में से बाबा जी का काफिला आगे निकल गया। बाबा जी की विनम्रता, शालीनता एवं चेहरे पर दमकते तेज से कठोर स्वभाव के व्यक्तियों के दिल भी पिघल जाया करते थे। बाबा जी ने नाव द्वारा भी कल्याण यात्राएं की। हिमाचल प्रदेश में सतलुज घाटी में बसे बिलासपुर शहर की सुरम्य वादियों में ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सतलुज नदी कल कल करती बहती है। 4 अक्टूबर सन 2004 को
नदी के नाल नौल घाट से विश्व शांति के संदेश वाहक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने नदी के उस पार स्थित सुदूर गांव धनी पक्खर में अपने भक्तों को दर्शन देने हेतु प्रस्थान किया। उस नाव को भक्तों ने बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया था, जिसमें गुरुदेव हरदेव जी के साथ निरंकारी राजमाता जी एवं पूज्य माता जी भी विराजमान थे। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय के उद्घोष के साथ नाव द्वारा गांव की यात्रा का सफर आरंभ हुआ। गुरुदेव की दिव्य आभा के समक्ष नावों पर सवार कुछ भक्तजन भक्ति गीतों के मधुर धुन पर खुशी से झूम रहे थे। अभी कुछ ही दूरी तय की थी कि दूसरे घाट जोरी पत्तन पर खड़े भक्तों का सदगुरु बाबा जी को जय घोष सुनाई पड़ा, तो हुजूर ने दूर से ही उनका अभिवादन स्वीकार किया। लगभग 2.5 घंटे के नाव के सफर के बाद नदी के पार स्थित गांव धनी पक्खर का पारली घाट नजर आया, जहां हिमाचल के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गांववासी गुरुदेव के स्वागत हेतु प्रतीक्षारत थे। पारली घाट पर सदगुरु देव का हिमाचली परंपरानुसार गरिमामय अभिनंदन किया गया। गुरुदेव एवं पूज्य माता जी घाट से संगतों के साथ पगडंडी नुमा रास्ते से गुजरते हुए पैदल चले एवं निरंकारी राजमाता जी ने एक सुंदर पालकी में गांव की ओर प्रस्थान किया। यहां पिछली रात ही मूसलाधार बारिश होने के कारण मिट्टी कीचड़ में बदल चुकी थी। पगडंडी वाला रास्ता पूरी तरह खराब हो चुका था। बहुत से सेवादार तन्मयता से रास्ता ठीक करने में जुटे थे। कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद सदगुरु के चरण इस गांव में पड़े तो उत्सव जैसा माहौल बन गया। देखते ही देखते सत्संग स्थल पर ग्रामवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। दर्शनों की चाह में न जाने कब से आतुर इन भक्तों की आंखें सदगुरु की दिव्य छवि को निहारते ही छलछला पड़ी। गुरुदेव ने यहां अपने प्रवचन में फरमाया, आज सुरम्य वादियों से गुजरते हुए यहां कुदरत के खूबसूरत नजारों का आनंद मिला है। वहीं इस गांव में पहुंचने पर भोलेपन और प्रेम भाव से युक्त भक्ति भावना को देखकर एक अलग ही आनंद का एहसास हो रहा है। रचना के बीच में जब रचनाहार स्वयं विराजमान हो जाते हैं तो रचना की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सदगुरु बाबा जी मसूरी में लगभग 2 माह रहकर अपने पावन दर्शन एवं अमृत वचनों के द्वारा शीतलता प्रदान करते। केवल भारतवर्ष से ही नहीं, दूर देशों से भी भक्तजन आकर इन रमणीक प्राकृतिक दृश्यों के बीच अपने सदगुरु के दर्शन करके एक स्नेह से परिपूर्ण आध्यात्मिक दुनिया का अनुभव करते। हुजूर के मसूरी आगमन के दौरान पूरा गढ़वाल गूंज उठता था, भलू लगदू बाबा जी तेरा गढ़वाल मां आणु रे, हर देव बाबा को ज्ञान गढ़वाल पहुंचावा। मसूरी आने पर आपका भी यही ध्येय होता था कि गढ़वाल के कोने कोने में जाया जाए। हुजूर का संग पाकर भक्त भी गा उठते, मन लगी मेरो सत्संग मां, मैं भी आएग्यो दाता तेरी शरण मां। बाबा जी जब अपने भक्तों के संग बाजार से गुजरते तो मसूरी नगरवासी आपके सत्कार में हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। यहां भी सदगुरु बाबा जी का एक एक पल देश और विदेश से दर्शनार्थ आए हजारों भक्तों को ही समर्पित रहता था। आपके मन में बस यही भाव रहता कि दास देश के कई राज्यों में कई साल नहीं जा पाता, पर यहाँ सभी के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ आप कुछ संतों के साथ सुबह सैर पर निकलते, रास्ते में सभी मसूरी वासियों व पर्यटकों का अभिवादन स्वीकार करते चलते। जब वापस भवन के प्रांगण में पहुँचते तो हजारों श्रद्धालु भवन के पुल पर एवं रेलिंग पर आपके दर्शनों के लिए पलकें बिछाए प्रतीक्षा करते नजर आते। आप बाहर कुछ महापुरुषों के साथ वॉलीबॉल खेलते तो प्रांगण के चारों ओर खड़ी संगतें मंत्रमुग्ध कर देने वाले इस नज़ारे को देखकर आनंदित होती रहती।
जब आप भक्तों की ओर गेंद फेंकते तो भक्तजन सदगुरु के हाथों से आई गेंद को छूने के लिए बाल हट करते कि इसको सदगुरु के कर कमलों ने स्पर्श किया है, इसलिए इस गेंद को मैं भी छू लूं। आप अपने प्रवचनों में खेल की बात को याद करवाते हुए समझा भी देते थे, बॉल तो सभी पकड़ने के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन भक्तजन गुरु के मुखारविंद से जो बोल आ रहे होते हैं उन्हें पकड़कर जीवन का अभिन्न अंग बनाते हैं। एक बार मसूरी भवन के नज़दीक स्थित कब्रिस्तान में रहने वाले चौकीदार की पत्नी ने हुजूर को नमस्कार कर सहज ही प्रार्थना की, बाबा जी क्या आप हमारी कुटिया में भोजन ग्रहण करेंगे? हुजूर ने मुस्कुराकर तुरंत स्वीकृति दे दी। बाबा जी कब्रिस्तान स्थित उसकी छोटी सी खोली में गए जहां दो से ज्यादा लोगों के बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। बाबा जी व माता जी ने लकड़ी के चूल्हे के पास धुएं में बैठकर प्रेम पूर्वक उस बहन द्वारा बनाया गया नाश्ता स्वीकार किया। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भरपूर रूहानी खुशियां देते हुए आप अपने भक्तों की इस मसूरी यात्रा को स्मरणीय बना देते। आप राजमाता जी व पूज्य माता जी सैकड़ों श्रद्धालुओं को साथ लेकर मसूरी की कभी किसी पहाड़ी पर तो कभी किसी रमणीक स्थल पर पिकनिक कराने ले जाते। आपकी बहन बिंदिया जी के अनुसार मसूरी में बाबा जी के साथ पिकनिक पर जाने का मौका मिलता था, जिसमें हजारों बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सभी होते थे। पहाड़ों में अंधेरा होना थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है, तो बाबा जी आदेश देते कि सब गाड़ियों में बैठो और चलो, अंधेरा हो रहा है। दासी को कई दफा ये देखने का मौका मिला कि जब तक एक एक संत को बाबा जी वापस नहीं भेज देते थे, तब तक आपकी गाड़ी वहां से नहीं जाती थी। आप कहते, पहले चारों ओर देखो, ऊंची आवाज लगाओ, कहीं कोई संत रह ना जाए। और जब पता चलता कि सारे महात्मा चल पड़े हैं, तब ही बाबा जी वापस भवन लौटते थे। एक बार बाबा जी के साथ कुछ संत बसों में मसूरी के रैबिट फार्म में पिकनिक मनाने गए। सायंकाल जब सभी महापुरुष वापस भवन लौटने लगे तो बाबा जी ने देखा कि जहां सड़क पर बसें खड़ी हैं वहां तक बुजुर्ग महात्माओं के लिए पैदल जाना मुश्किल हो रहा है, तो आप खुद अपनी कार में न बैठकर पैदल चल पड़े और सेवादारों से कहने लगे, इन गाड़ियों में पहले बुजुर्ग महात्माओं को बिठाकर बसों तक छोड़ आओ, इतनी देर में हम सैर करते करते सड़क तक पहुंच जाएंगे। अंतहीन पथ के इस दिव्य पथिक को विश्राम कहां मिलता था। सन 2011 में 55 दिवसीय दूर देशों की कल्याण यात्रा के समय भारत से विदा होते समय सदगुरु देव से कहा गया कि बाबा जी आप वहां जाकर कुछ आराम कर लेना, और वहां से भारत आते समय भी संगतों ने कहा कि बाबा जी आप दिल्ली जाकर आराम कर लेना। लेकिन जिसके जीवन का लक्ष्य ही परोपकार हो, उस दिव्य विभूति के उस समय भी यही शब्द थे। आप सब यदि मिलवर्तन से प्रेम पूर्वक मिशन की शिक्षाओं को अपनाकर जीवन जीते रहें तो वही मेरे लिए आराम है। मानवता हेतु अर्पण अपना समय कर गए, पलों में ही युगों का सफर तय कर गए। अनंत प्रेम अनंत रूप, बस ऐसे ही कल्याण करते करते 36 वर्ष बीत गए। आपकी दिव्य विभूति के प्रति भक्त जनों की श्रद्धा और बलवती होती गई, उमड़ता प्रेम और प्रबल होता गया। न जाने कितने समारोह, कितने सत्संग, कितने समागम आयोजित हुए, पर आपकी पावन उपस्थिति के कारण हर दिन नया लगता था। बाबा हरदेव सिंह जी के प्रेमाशीष की वर्षा सालों साल निरंतर सभी पर समान रूप से बरसती रही, और ऐसी बरसी कि आज भी आपकी यादें आपके स्मरण मात्र से भक्तों की आंखों से अश्रुधारा के रूप में बहने लगती है।